Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Physics with Adnan. आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। एरर एंड अनसर्टेनिटीज एरर कब आते हैं हमारे पास, जब कोई हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। फिजिकल जो मेजरमेंट होती है उसमें कोई ना कोई एरर आता है। जस्ट सपोज कि हम वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग लेते हैं, तो लेट्स सपोज फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं 3.14 सेंटीमीटर, दूसरी 3.15 सेंटीमीटर, तीसरी 3.17 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम और रीडिंग लेते जाते हैं वैसे वैसे जो है सेम रीडिंग नहीं आती, उसका कोई ना कोई एरर आता है। सेम कंडीशन पे सेम जो हमारे पास रीडिंग्स हैं वो नहीं आती। इसका जो हमारे पास फिजिक्स में बनता है वो है एरर एंड अनसर्टेनिटी। किसी भी मिकदार में, किसी भी मेजरमेंट में एरर्स आते हैं। तो एरर्स की डेफिनेशन देखते हैं हम पहले। ऑल फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन, तमाम जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो अनसर्टेन होती हैं और इम्प्रेसाइज टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक वो गलत होती हैं या उनमें एक मुताबिकत नहीं आती। इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट्स, और इन एरर्स को खत्म करना या इनको एलिमिनेट करना वो भी इम्पॉसिबल के नजदीक ही होता है, कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। एरर में अगर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये एरर आते क्यों हैं, तो उसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये जो एरर है हमारे पास आते हैं। पहला हमारे पास द फॉल्टी ऑफ अपरेटस, फॉल्टी ऑफ अपरेटस, अपरेटस में फॉल्ट हो सकता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स या सिग्नल गेज या मीटर रॉड, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, या हमारे पास टेलीस्कोप है, इसके बाद दूसरी जो हमारे पास इस्तेमाल होती है उसमें अपरेटस का भी फॉल्ट होता है। अपरेटस कैसा है, अपरेटस में कोई गड़बड़ ना हो, जैसे कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, हमारे पास जीरो एरर होता है, यानी कि हमारे पास जो दो एरर वर्नियर स्केल और मेन स्केल के दरमियान अगर दोनों जीरो बराबर नहीं आते तो हम देखते हैं इसमें जीरो एरर है, यानी कि अपरेटस में फॉल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एन अप्रोप्रिएट इन अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टेक्निक, यानी जो बंदा टेक्निक या जो बंदा एक्सपेरिमेंट ले रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है या मेजरमेंट ले रहा है तो वो अनएक्सपीरियंस है, उसको पता नहीं है कैसे लेनी है। टाइप ऑफ एरर आ गया जाता है हमारे पास, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ एरर्स, टू मेजर टाइप ऑफ एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर। हमारे पास दो तरह के एरर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट को मेयर करने के बाद, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, व्हेन रिक्वायर्ड मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशंस, इसका रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है हमारे पास, पहले जैसे मैंने बताया है कि वर्नियर कैलिपर से हम एक ही सॉलिड एंगल का या एक ही हम इंस्ट्रूमेंट का किसी चीज का हम उसकी डेंसिटी, उसकी हम पैमाइश मालूम करते हैं, उसकी लेंथ मालूम करते हैं, तो सेम कंडीशन में ही उसकी जो हमारे पास वैल्यूज वो चेंज आती है। उसका चेंज आना क्या होता है हमारे पास, द डिफरेंट अंडर सेम कंडीशन में, तो वो रैंडम एरर होगा। रैंडम एरर क्या होता है हमारे पास, रीजन फॉर, तो दूसरा हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी आर इक्वली अफेक्टेड, देन द एरर अक्सर इज सिस्टमैटिक एरर, कि तमाम तर जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज हैं वो इक्वली अफेक्टेड हो रही हैं, तमाम तर क्वालिटीज एक ही टाइम में, एक ही माहौल में, एक ही हमारे पास चीज की मुख्तलिफ मेजरमेंट्स आ रही है, सिस्टमैटिक एरर है। रीजन फॉर अकरेंस ऑफ एरर है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है, व्हेन ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी आर इक्वली अफेक्टेड, देन द एरर अकरेंस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर आता क्यों है हमारे पास, उसकी दो रीजन है हमारे पास, क्या रीजन है, जीरो एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आ सकता है, एंड पुअर कैलकुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के जो
बनावट होती है हमारे पास किसी भी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो पुअर हो सकती है, नाकिस हो सकती है, या बड़े बड़े असल लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे जंग आ जाता है, या उनमें जिक्र लेट्स सपोज कि हम मिसाल लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एज इट इज सामने आ जाए तो हम कहते हैं कि इसमें जीरो एरर नहीं है। अक्सर हम उसको बंद करते हैं और वहाँ पर वो जीरो वर्नियर स्केल के जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने नहीं आता तो हम कहते हैं ये जीरो एरर है। तो इस लिहाज से पूरा कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो मैथड टू रिड्यूस कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, this error can be reduced by comparing the instrument with another which is known to be more accurate। हम क्या करेंगे उसकी जो कंपेयर करेंगे उसकी रीडिंग्स किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, कि एक वर्नियर कैलिपर से एक सीरियल गेज से हमने कोई पैमाइश ले ली है तो हम वही पैमाइश दोहराएंगे किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, अगर सेम आ रही है तो हम देख लेंगे जो हमारे पास एरर आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास एक और होता है जीरो एरर। जीरो एरर कैसे रिड्यूस करते हैं, जो भी जितनी वैल्यूज होती है उसको प्लस माइनस करते हैं, उसके लिए अलग से मेरे पास वीडियो मौजूद है वर्नियर कैलिपर के रीडिंग के हवाले से। तो बहरहाल उसमें आप लोग देखेंगे कि जीरो एरर कैसे जो है रिड्यूस होता है और कैसे जो है सॉल्व किया जाता है। सेकेंड एवरेज की हम देते हैं, कैसे एवरेज कि तीन से चार रीडिंग जो हम ले लेते हैं उसको आपस में क्या कर देते हैं नंबर ऑफ रीडिंग्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है जो भी रीडिंग की होती है। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक एरर एंड अनसर्टेन।